वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन आने के ओएनजीसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ओएनजीसी स्टॉक की न्यूज भी चेक करेंगे तो वहाँ पे देख सकते 170.70 पे क्लोजिंग डे फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते कि 1% की रैली कर चुका है। जैसे कि ओएनजीसी स्टॉक ने सुबह ओपन होते एक अच्छी रैली की थी पर ऊपर यहाँ पे आप देख सकते गिरावट के बाद फिर से प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लेके एक अच्छी मूवमेंट की थी। तकरीबन पूरे दिन भर अप ट्रेड में ही था। जाके देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था तो ओपन हुआ था 169 लेवल पे, हाई भी 171.30 का था और लो बना चुका था 168.70 का। मार्केट कैप पे 2.15 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो देखा जाए तो 4.87 का है और डिविडेंड यील्ड 4.79% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब 2.37% की रैली कर चुका है ओएनजीसी स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में गिरावट हो चुके 2% से ज़्यादा और ईयर टू दिस डे यानी कि जनवरी से इस बात इस मोमेंट तक मोमेंट देखी जाए तो यहाँ पे आप देख रहे 140, 150, 160, 170 लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया है। तकरीबन 19% अप है, 27 पॉइंट अप है जनवरी से। यहाँ पे आप देख रहे ओएनजीसी स्टॉक। चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते मंथली प्यूट के नीचे ही ओपन हुआ था। मंथली प्यूट के नीचे ओपन होने के बावजूद एक अच्छी रैली की थी, ऊपर भी चला गया था पर मंथली प्यूट का रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिली। तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते मंथली प्यूट के नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग करा, ऊपर भी जाता है तो 173 पे मंथली प्यूट का रेजिस्टेंस लगने के चांसेस है। जबकि और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता मंथली प्यूट का तब तक एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती ओएनजीसी स्टॉक में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ओएनजीसी स्टॉक के लिए।